सरकार के यूपी में काबिज होने के बाद भी आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बिजनौर में भी चलती ट्रेन में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना से जिला पुलिस प्रशासन में और रेलवे विभाग में भी हड़कंप मच गया। चलती ट्रेन में महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप खुद जीआरपी सिपाही पर लगा है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का जमावड़ा लग गया। दरअसल लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस में मेरठ की रहने वाली एक महिला सफर कर रही थी। बताया जा रहा है कि महिला की तबीयत अचानक खराब होने पर ट्रेन में ही ड्यूटी पर चल रहे जीआरपी सिपाही कमल शुक्ला ने महिला को विकलांग डिब्बे में शिफ्ट करा दिया। आरोप है कि सिपाही ने विकलांग डिब्बे में बैठे अकेले यात्री को डिब्बे से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लिया। ट्रेन के हल्द्वार पहुंचने पर जब यात्रियों को कुछ शक हुआ तो उन्होंने इसकी सूचना गार्ड को दी। गार्ड की माने तो जिस वक्त सिपाही ने दरवाजा खोला उस वक्त महिला बेहोश थी और सिपाही अर्धनग्न हालत में था। सुरेंद्र कुमार केन है, गार्ड रूम 50-11 का 50-11 ये लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस। ऐसा था, मेरे पास एक पैसेंजर आया, उसने बताया साहब मेरे को मारा है एक जीआरपी के सिपाही ने और एक औरत को ले गया है। तो मैंने कहा हो सकता है, क्या बात है, मैं देखूं। तो मैंने जब देखा तो पुलिस वाले 2-3 पैसेंजरों के द्वारा खुलवाया, खोल नहीं रहा दरवाजा। बड़ी शोर वोर मचाया, जब खोला तो उसमें उसको पैंट उतरी हुई थी और उसको धोख देने लगा। तो उस औरत को फिर हमने बचाया, उस औरत को लेकर आया हमने। हाँ, वो नंग अवस्था में औरत जो है बेहोश अवस्था में थी, ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि भाई गाड़ी 2 मिनट के स्टॉपेज में क्या बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, औरत अंदर थी अकेली और वो थे और वो था। हाँ, ये जो विकलांग जो लड़की के साथ रेप हुआ है, ये लड़की कहाँ की रहने वाली है ये मुझे नहीं मालूम, बहुत गलत है। जानकारी है कि डिब्बे के अंदर का नजारा देख यात्रियों ने सिपाही की पिटाई करनी शुरू कर दी। ट्रेन के बिजनौर स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों ने हंगामा कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर जिले के पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों और रेलवे प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी जगतराज त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा भी मौके पर पहुंचे और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर हुए हंगामे के बाद महिला काफी देर अस्पताल में बदहवासी की हालत में रही। अधिकारियों की माने तो महिला लखनऊ से इस ट्रेन में चढ़ी थी और तबीयत खराब होने की सूचना के बाद सिपाही ने ही इसे विकलांग बोगी में शिफ्ट कराया था। फिलहाल इस मामले की सूचना जीआरपी पुलिस अधीक्षक को भी दे दी गई है। साड़ी गेट मेरठ की रहने वाली है। ये बताया गया कि ये विकलांग कोच में एक सिपाही कमल शुक्ला के साथ ये मिली। इसमें पूछताछ में ये पता चला कि ये सिपाही को महिला ने कहा कि हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, तबीयत मेरी खराब है, जिसकी पुष्टि अन्य कारकों से भी हुई है। तो इसको उसने कहा कि ठीक है, आप विकलांग कोच में बैठ जाओ। और उसके बाद जब तक ट्रेन चलती तब तक किसी को बिठाया तब तक ट्रेन चल गई। बीच में गार्ड आए, उन्होंने देखा कि अकेले बैठे हुए, तो उन्होंने अन्य पैसेंजर्स को भी सूचना दी। पैसेंजर्स आक्रोशित हुए, उन्होंने इसको जाकर के देखा, वहां से गाड़ी से उतार लिया और ट्रेन को रोका। उसके बाद इस महिला को यहाँ पर बिजनौर में उतार करके यहाँ पर इनको हमने शिफ्ट करा दिया है इस हॉस्पिटल में। बाकी अभी ये थोड़ा सा भीड़ देखकर घबराई हुई है, जैसे ही नॉर्मल होंगी 1-2 घंटे बाद ही अपनी बात बताएंगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो सिपाही है इस समय जीआरपी के पास ही है। एसपी जीआरपी मुरादाबाद ने भी संज्ञान लेते हुए वो वहां से चल पड़े हैं, जल्दी ही आ रहे हैं और वो यहां आकर के पूरी कार्रवाई कराएंगे। जीआरपी चूंकि पब्लिक का कोई व्यक्ति जैसे यहां पर अभी मौजूद नहीं है जो कि तहरीर दे सके, और सबसे इम्पोर्टेंट बयान हमारे महिला के ही है, तो उसके आधार पर हम कार्रवाई कराएंगे। देखिए, गढ़वाल एक्सप्रेस नहीं है, लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस है। और ये बच्ची जो है लखनऊ से बैठी थी और ये चांदपुर में शिफ्ट कराया गया। पहले स्लीपर क्लास में बैठी थी और स्लीपर क्लास से इसको जो है विकलांग में शिफ्ट कराया गया। जो शिफ्ट कराने भूमिका रही तो एक जीआरपी का सिपाही है, उस जीआरपी के सिपाही ने शिफ्ट कराया है। इसके बाद वो ट्रेन चली और बिजनौर तक ट्रेन आई, तो वो गार्ड जो है जब वहां पे गया तो गार्ड ने कहा कि सिपाही से कहा कि भाई आप उस डिब्बे में अकेले हो और लड़की भी अकेले है, तो उसने संदेह किया कि लड़की के साथ रेप किया गया है और उसने इस टाइप की सूचना सभी को दे दी। इसके बाद जो है जब सूचना दे दी गई तो फिर लड़की को जो है यहाँ पे हमारे जो अधिकारी गए, पुलिस के अधिकारी गए, महिला अधिकारी गई और उन्होंने बात किया, लड़की को लाए। इस समय लड़की को हम यहाँ पे ले आए हैं जिला अस्पताल में, महिला अस्पताल में लड़की है और हम लोग भी गए थे, मैं और एसपी साहब दोनों लोग साथ हैं। बच्ची से बात करने की कोशिश किए हैं लेकिन अभी वो बातचीत नहीं कर रही है और बाकी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लड़की कंडीशन ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो भी कार्रवाई है, लड़की का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। जब लड़की 1-2 घंटे बाद ठीक हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी, तो लड़की से जो भी बातचीत की जाएगी उसका बयान लिया जाएगा, उसके बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
देखिए अभी इस पे हम कोई अभी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जो सिपाही है उसको डिटेन किया गया है रहा है, अभी वो जनरल वार्ड में है, उसको हम प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दे रहे हैं जिससे उसको कायदे से केयर हो चुके हैं। सीएमएस को मैंने बुलाया था, लेडी सीएमएस है, उनसे कहा है और मैंने कहा कि प्राइवेट वार्ड में उनका जो है लेडी डॉक्टर रहेंगी, लेडी कांस्टेबल रहेगी और क्या कहते हैं लेडी जो है नर्स रहेंगी, जो भी है पैरामेडिकल स्टाफ सभी लोग लेडी रहेंगे जिससे उसको विश्वास अर्जित हो सके। बच्ची से हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश किया था, पहला काम है उसको विश्वास पे लेना, उसको बताना कि पूरा प्रशासन उसके साथ है, सभी लोग उसके साथ हैं।